हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मांगने वालों को मौत दी जाने लगी। फलस्तीन में एहतजाजी तहरीक शुरू होते ही गोलियों की बरसात। सिहूनी फौज की फायरिंग और ड्रोन के जरिए शेलिंग। शहदा की तादाद 15 हो गई। 1500 से जायद जख्मी। गली गली जनाजे। डेरा इस्माइल खान में डीपीओ के काफले पर दहशत गर्दों का हमला। बम धमाके में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी। नाइन जीरो से बरामद असलहा कहां से खरीदा गया। मुतहदा के टारगेट किलर रईस मामा से तफ्तीश। कत्ले आम और भत्ताखोरी से मुतालिक भी पूछगछ। मुलजिम ने कई अफराद की टारगेट किलिंग का एतराफ कर लिया। 22 मुकदमा के गवाह शनाख्त के लिए तलब। आठ दिन से बिजली मुसलसल नहीं है, खास तौर पर दिन के वक्त जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब पढ़ाई का वक्त होता है। 1 घंटे पानी आते हैं, वो भी घंटे जो है लोड शेडिंग में चले जाते। टेक्निकल फॉल्ट की रट सुनकर कराची वालों का मीटर शॉर्ट। कीमाड़ी में 8 रोज से बिजली की आंख मचोली। आवाम सड़कों पर। के इलेक्ट्रिक ने इजाफी गैस न मिलने पर बहरान बढ़ने की टेंशन दे दी। पाक वेस्ट इंडीज मैचेस में बिला तातुल फराहमी मुश्किल। गर्दिशी कर्जे की वजह से के इलेक्ट्रिक को कम गैस मिलने का दावा गलत। 10 मिलियन क्यूबिक फीट का मुआहिदा था, 90 मिलियन क्यूबिक गैस दी जा रही है। मिफ्ता इस्माइल की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। मुलाकात मेरी और चीफ जस्टिस की हुई है, तकलीफ आपको क्यों है? अगर मुल्क के अंदर कोई मुश्किलात नजर आती है, मुझ पर ये लाजिम है कि उनसे जाके मिलूं, उन मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करूं। फिर किसी ने बयान लगाया कि फरियादी बनकर गए थे, तो मैं बिल्कुल फरियादी बनकर गया था, इस मुल्क का फरियादी हूं। मुल्क के लिए फरियाद, मुखालफिन के बयानात बेबुनियाद। उम्मीद है चीफ जस्टिस बात समझ गए होंगे। आसिफ जरदारी और इमरान खान कह दें चेयरमैन सेनेट पैसा खर्च किए बगैर बना। वजीर आजम की सरगोधा में धुआंधार तकरीर। नैब अदालत पर इजहार अदम इत्मीनान। नैब की अदालत से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। आज तो सिर्फ एक अकामे की बात हुई कि एक अकामा आपके पास है जिसका ना कोई सबूत है ना उसकी कोई हकीकत है, उस पर फारिग कर दिया। ये नुकसान मुल्क का नुकसान है। वजीर आजम फरियादें नहीं कर सकते, साइल बनने का शौक है तो कहीं और पूरा करें। कौन सी दरख्वास्त लेकर चीफ जस्टिस के पास गए? कमर जमान कायरा का सवाल। सेनेट में पैसा नहीं चला, नून लीग हार कर रोने लगी। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने फरियादी कहा तो अपने अल्फाज पर कायम रहना चाहिए था। वाजिद जिया ने तमाम इल्जामात की खुद तर्दीद कर दी। नवाज शरीफ मुतमईन। जिमनी रेफरेंस में लंदन फ्लैट्स का मालिक वालिद को बना दिया गया। मरियम नवाज की गुफ्तगू। स्टील मिल के कॉन्ट्रैक्ट की तस्दीक कराए बगैर मंदरजात तस्लीम किए। गवाह अब्दुल वहाब से राब्ता नहीं किया। वाजिद ज़िया का एतराफ। स्क्रैप नहीं, इस्तेमाल शुदा मशीनरी शारजा से जद्दा भेजी गई। एवन फील्ड रेफरेंस में बयान। नया प्रोसिक्यूटर ने ख्वाजा हारिस को मेंटल कह दिया। समाप्त तक मुलतवी।
वेबसाइट पर दोबारा कन्वीनर लिखा जाए। फारूक सत्तार ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हवाला। कराची के सरजानी टाउन यारो गोट में रेंजर्स का छापा, जेर तामीर मकान में छुपाया गया एमक्यूएम लंदन का असलहा बरामद। कोयटा के इलाके नवाकली में टारगेट किलिंग, गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक, सात जख्मी। मौत का खेल, मजीद कई जाने निकल गया। लकी मरवत में रेस लगाती मोटरसाइकिलें टकरा गईं, तीन अफराद जान बहक, चार जख्मी। मुजरिम जो है वो पकड़े जाएं। ये नहीं है कि आज आपदा है कल को कोई और आ जाए। अगर आप लोग हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते एज अ पॉलिटिशियन तो आप लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए। फैसलाबाद में अगवा और ज्यादती के बाद तालिबा का कत्ल, साथी तालिब इल्मों का जीसी यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाज। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर आपदा दूसरा टॉप ट्रेंड, चीफ जस्टिस से आप खुद नोटिस लेने की अपील। कराची में बहरिया टाउन के मकीनों के लिए अच्छी खबर, सीईओ अहमद अली रियाज मलिक ने 120 बेड्स के इंटरनेशनल अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। के हक मांगने वालों को मौत दी जाने लगी। फलस्तीन में एहतजाजी तहरीक शुरू होते ही इसराइली फौज ने गोलियां बरसा दी हैं और ड्रोन के जरिए भी शेलिंग की गई है। फलस्तीनियों की जानिब से इसराइल की सरहद पर एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज को वापसी के लिए अजीम मार्च नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि 17,000 फलस्तीनी हैं जो कि सरहद के करीब इस वक्त मौजूद हैं, जिन पर इसराइल की जानिब से गोलाबारी भी की जा रही है और इस सिलसिले में टैंक्स भी पहुँचा दिए गए हैं। ऐसे में हक मांगने वालों को मौत दी जाने लगी। फलस्तीन में एहतजाजी तहरीक शुरू होते ही इसराइली फौज ने गोलियां बरसा दी, ड्रोन के जरिए भी शेलिंग की गई। शहदा की तादाद 14 हो गई और 1400 जख्मी हैं। बेदखल फलस्तीनी आवाम ने अपनी अराजी से कब्जा खत्म कराने के लिए 6 हफ्ते तक एहतजाज का ऐलान किया है। सरजमीन पर कत्ल और गारत गरी का बाजार कर अपने हक के लिए एहतजाज करने वाले फलस्तीनियों पर इसराइली फौज ने गोलियों की बौछार कर दी। इसराइली कब्जे के खिलाफ तहरीक का आगाज हुआ तो पहले ही दिन गली गली लाशें उठने लगी। इसराइली फोर्सेस के निशानची चुन चुन कर मुजाहिरीन को गोलियों का निशाना बनाते रहे। एहतजाजी कैंप पर ड्रोन के जरिए शेल्स बरसाए गए। सहूनी फौज ने खवातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शा। निहत्ते मुजाहिरीन पर हरास चलाई जाने वाली गोलियों और तोपों का निशाना बनकर गिरते रहे लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे। फलस्तीनियों की तहरीक जोर शोर से जारी है। शहदा की तादाद में लम्हा ब लम्हा इजाफा होता जा रहा है जबकि हजारों फलस्तीनी जख्मी होकर अस्पताल पहुँच चुके हैं। डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची में जिला पुलिस के सरबराह की गाड़ी के करीब धमाके से 3 अहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए। इस हमले में डीपीओ महफूज रहे। डीपीओ डेरा इस्माइल खान डॉक्टर जाहिद खान कुलाची थाने में खुली कचहरी में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे कि मडी रोड पर ग्रिड स्टेशन के करीब सड़क किनारे नस बम फटने से डीपीओ के स्क्वाड की गाड़ी तबाह हो गई जिसमें सवार 3 अहलकार शहीद हो गए। शहीद अहलकारों में कांस्टेबल मुलाजिम हुसैन, ड्राइवर फखरे आलम और सिपाही गुलाम अब्बास शामिल थे। जख्मियों को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद डीएचक्यू अस्पताल डेरा इस्माइल खान रेफर कर दिया गया। इसके अलावा कोयटा में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी होने वाले पिकनिक मनाकर वापस जा रहे थे। फायरिंग का वाकया नवाकली बाईपास पर पेश आया जब नामालूम अफराद ने एक बोलान वैन पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से गाड़ी में मौजूद नौजवान जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी होने वालों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां जाँ बहक शख्स की शनाख्त अब्दुल वली के नाम से हुई है।
کراچی میں سانحہ چکرا گوٹ کے مرکزی ملزم رئیس ماما سے 90 سے اسلحے کی کھیپ کی برآمدگی، ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری سے متعلق تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ مختلف پولیس تھانوں میں درج مقدمات کا ریکارڈ بھی اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ اس پر دیکھیے نوید کمال کی رپورٹ۔ کراچی پولیس کی تحویل میں موجود ایم کیو ایم کے مبینہ ٹارگٹ کلر رئیس ماما سے تفتیش کا دائرہ وسیع۔ ٹارگٹ کلنگ، اسلحے کی خریداری، ذخیرہ اندوزی اور بھتہ خوری نیٹ ورک سے متعلق رئیس ماما سے پوچھ گچھ۔ ابتدائی تفتیش میں ملزم نے پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد کی ٹارگٹ کلنگ کا اعتراف کیا ہے۔ 90 سے ملنے والے اسلحے کی کھیپ کے حوالے سے بھی تفتیش جاری۔ اسلحے کی خریداری کیسے کی گئی، اسلحہ کیسے ذخیرہ کیا گیا، پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق رئیس ماما اسلحہ خریداری اور ٹارگٹ کلرز کی ٹیم چلانے کا اہم کردار رہا ہے۔ پولیس نے رئیس ماما کے خلاف 22 مقدمات کی تفصیل جمع کر کے ان مقدمات کے گواہوں کو شناخت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ سرائے کا کہنا ہے کہ جن کیسز میں شواہد اور گواہ موجود ہیں ان میں ملزم کے خلاف چالان عدالت میں جمع کرایا جائے گا۔ نوید کمال، دنیا نیوز، کراچی۔ سندھ رینجرز نے کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن یارو گوٹھ میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی۔ زیر تعمیر مکان میں چھپایا گیا اسلحہ برآمد کر لیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق اسلحہ ایم کیو ایم لندن کے شر پسند عناصر نے زیر زمین چھپایا تھا۔ برآمد ہونے والے اسلحے میں 2 SMG، 1 MP5 رائفل شامل ہے، 1 مورس، 4 30 بور پستول، 1 رپیٹر، 1 شاٹ گن، 4 میگزین اور مختلف اقسام کے 900 سے زائد گولیاں بھی برآمد کی گئیں۔ شہر قائد میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ متاثرین نے احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے۔ کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ دورانیے میں کمی کو گیس کی اضافی فراہمی سے مشروط کر دیا۔ دیکھیے اس بارے میں محمد محسن کی رپورٹ۔ کیماڑی کے مکین ہیں جو گزشتہ 8 روز سے بجلی کی آنکھ مچولی سے تنگ ہو کر سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں بجلی نہیں ملتی۔ یہاں پر گزشتہ آج 8 دن سے بجلی مسلسل نہیں ہے، خاص طور پر دن کے وقت جب بچے اسکول جاتے ہیں، جب پڑھائی کا وقت ہوتا ہے، عبادات کا وقت ہوتا ہے۔ 1 گھنٹہ پانی آتا ہے، وہ بھی گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ کیا پیے گا، کیا ہم لوگ بچوں کو تعلیم دکھائے۔ کراچی کا ایک یہی علاقہ متاثر نہیں بلکہ اب تو صنعتی علاقوں اور لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں کا بھی یہی حال ہے۔ شہر قائد میں موسم گرما سے پہلے احتجاج کا موسم آ گیا۔ مظاہرین کہتے ہیں اگر حکومت نے فوری طور پہ نوٹس نہ لیا تو وہ احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ گیس نہ ملی تو بحران مزید بڑھ سکتا ہے۔ ہمارا جو شارٹ فال ہے اس میں 2 گنا اضافہ ہو گیا ہے، جس کے باعث ہمیں مجبوراً شہر میں اضافی لوڈ شیڈ کے سپیلز لینے پڑ رہے ہیں۔ جن علاقوں کو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے لوڈ شیڈ سے مستثنا رکھا تھا، ہمیں ان علاقوں میں بھی مجبوراً یہ لوڈ مینجمنٹ کے سپیلز کیری کرنا پڑ رہے ہیں۔ ہم نے انڈسٹریز کو بھی شیڈ کرنا پڑا ہے۔ کے الیکٹرک ترجمان نے واضح کر دیا کہ اگر اضافی گیس نہ دی گئی تو نہ صرف پاک ویسٹ انڈیز کرکٹ میچز بلکہ رمضان المبارک میں بھی بجلی کی بلا تعطل فراہمی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ کیمرامین خلیل عادل کے ساتھ محمد محسن، دنیا نیوز، کراچی۔